हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज मटन दाल चा। 1.5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 स्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, 2 स्पून सॉल्ट डाल, अच्छे से मिक्स करना है। 4 स्पून ऑयल भी ऐड कर दीजिए। वन आवर तक रेस्ट करने दीजिए अच्छे से मिक्स करके। बारीक कटी हुई प्याज को भी मटन में ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। चने की दाल 1 कटोरा पानी में ऐड कर दीजिए। कुकर में अच्छे से धो के चने की दाल को कुकर में डाल दीजिए। 1/2 स्पून ऑयल ऐड कर दीजिए क्योंकि दाल अच्छे से गलने के लिए। 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 स्पून ऐड कर दीजिए सॉल्ट को। 1 लोटा पानी भी ऐड कर दीजिए। कुकर को 4 विजिल तक। दालचे के लिए हमने ली है इतनी सी इमली और इसको अच्छे से धो के भिगोने दीजिए 10 मिनट तक। इस तरह से इमली को पूरे 10 मिनट तक भिगने दीजिए। चलिए, अब हमारी चने की दाल अच्छे से कुकर में 4 विजल के बाद बाहर निकल चुकी है। 1 आवर के बाद रेस्ट हो चुका है हमारा मटन का। अब हम 10 मिनट तक इसको भी अच्छे से पका लेंगे गैस में पूरे 10 मिनट तक। दालचे के लिए 4 बारीक कटे हुए टमाटर। पकने वाला ग्रेवी में डाल दीजिए और अच्छे से 10 मिनट तक पका लीजिए। अभी दालचे के सालन में 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे। अब दालचे में जाएगा हमारा घर का पीसा हुआ गरम मसाला 1/2 स्पून, इसको भी हम दालचे के ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक पकने देंगे। हमारा बारीक पीसा हुआ दालचे का रेडी हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे इमली का खट्टे को, अच्छे से छान के ऐड कर लीजिए। इमली के खट्टे को और दाल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको जितना थिक चाहिए और थिन चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हो। हमने इतना सा पानी ऐड कर लिया है। अब हमारा दालचे का ग्रेवी पूरा रेडी हो चुका है। और हम ऐड कर लेंगे दालचे के दाल में ग्रेवी को। दालचा और ग्रेवी को हमने अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक पकने देंगे। दालचा पूरे 10 मिनट तक अच्छे से पक चुका है। इसमें जाएगा कोतिंबीर यानी के हरिया धनिया। दालचे को हमने ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, इडली, डोसा कुछ भी इसमें खा सकते हैं। हमारा चैनल को याद से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।